हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। और कैसी रही आप सबकी छुट्टियां? हालांकि मुझे पता है इस बार लॉकडाउन की वजह से कहीं कोई घूमने तो गया नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से घर के काम काफ़ी सीख गए होगा इस बार, है ना। मम्मियों को कईयों ने हाथ बताया होगा, कईयों ने और कुछ हेल्प करी होगी उनकी, राइट? चलो, मम्मियाँ बहुत खुश रही होंगे आई थिंक, सबकी फिटनेस से बच गए होंगे। चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आज ना कवर क्या करेंगे टॉपिक में, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन से पहले तक जितना सिलेबस हमने कंप्लीट किया था, तो उसमें लास्ट टॉपिक आई हैव कंप्लीटेड वॉज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP, राइट। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो न्यू चैप्टर है, राइट। तो वो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको मैं शॉर्ट में CMD, ठीक है। तो कहीं पर मुझे यूज करना पड़ेगा, इफ आई एम यूजिंग द वर्ड CMD, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो अब इसमें जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है, तो आज बेसिकली ना हम कॉन्टीन्यूटी को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमें आज कंसीडर, आज जो हम कवर करेंगे इसमें ना, आज आप क्या समझने वाले हो? कॉन्टीन्यूटी को और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्टीन्यूटी को समझने के लिए, देखिए ये आपको याद आ रहा होगा धीरे से कि 11th क्लास में भी आपने चैप्टर पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन वाला, राइट। उससे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था तो आपको कंटिन्यूटी के बारे में भी बताया था, लेकिन उस टाइम दैट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन ही था। तो उसको वापस से टच में लाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टेक एन एग्जांपल fx, एक रियल फंक्शन लिया मैंने fx, जिसको मैंने ऐसे डिफाइन किया कि अगर x की वैल्यू 0 से स्मॉल है तो ये 1 है, ठीक। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन और 0 है तो ये 1 है, और ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू जो है ये 2 है, राइट। अब मैं जब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखता हूँ, ठीक, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गई एक्स एक्सिस एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब लेस देन इज इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट साइड, राइट। तो वैल्यू कितनी फंक्शन की? 1, मतलब ये वैल्यू 1, ओके। और क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, यानी ये वाली 1 जो वैल्यू ये भी इंक्लूड है इसमें, तो इसलिए मैंने इसको डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है। x ग्रेटर देन 0 तो 2 है वैल्यू, मतलब 2 यहाँ कहीं होगा, बट अब जो 2 वैल्यू वो इंक्लूड नहीं करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू ये आ गई, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू जब -1 है, तो -1 पे x की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू क्या होगी? 1। -2 पे वैल्यू क्या होगी? अगेन 1। -3 पे कितनी होगी? अगेन 1। -4, 1, मतलब एट द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो सभी वैल्यूज जो वो fx की कितनी है? +1। और जैसी राइट साइड में हम उसको स्विच करते हैं, राइट साइड में आ जाते हैं, तो हमेशा कितनी वैल्यू है? 2 है वैल्यू, करेक्ट। तो अगर मैं बात करूँ ना इस फंक्शन को, तो ध्यान से देखो क्या कहीं भी ग्राफ जो है वो ब्रेक हो रहा है लेफ्ट साइड में? क्या कहीं भी ब्रेक हुआ? नहीं। क्या राइट साइड में कहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन था जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो क्या कंटिन्यूअस है वो? यस, लेस देन के लिए तो हमेशा कंटिन्यूअस है, राइट हैंड साइड वाली हम वैल्यूज जो देखते हैं यस उधर भी कंटिन्यू है, बट अगर मैं एग्जैक्ट 0 पे बात करूँ, क्या 0 पे ये कंटिन्यूअस है? तो देखिए जब एग्जैक्ट 0 वैल्यू है तो ये 1 भी आ रहा है, और 0 से जैसे ही राइट साइड पे अप्रोच हुई हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो क्या अब ग्राफ जो था वो मतलब सेम वैल्यू हमें मिली, अप्रोच हुई हमारी सेम? नहीं हो पाई ना। तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मैं आपसे ये पूछूँ कि जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है अराउंड 0 के नीचे, ठीक, तो उस टाइम पे क्या हुआ? क्या जो ये ग्राफ था वो मेरा, जैसे मैंने मार्कर से अगर ड्रॉ करता हूँ तो क्या मुझे मार्कर को लिफ्ट करना पड़ेगा? लिफ्ट करना मतलब हटाना पड़ेगा ना वहाँ से, क्योंकि देखो वैल्यू इंक्रीज हो गई, 1 से 2 अप्रोच हो गई उसकी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमने मार्कर जो लिफ्ट किया, हटा दिया वहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू कोइंसाइड नहीं हुई, मतलब 0 से लेफ्ट साइड देखें वैल्यू कुछ है, एग्जैक्ट 0 पे कुछ और है,
और जीरो के राइट साइड में कुछ और वैल्यू है, करेक्ट? तो क्या तीनों वैल्यू कोइंसाइड हो रही है? नहीं हो रही, राइट? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू जीरो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट लेफ्ट साइड में जीरो के कंटिन्यूअस है, राइट साइड में भी कंटिन्यूअस है, मतलब जीरो से आगे के सभी वैल्यूज के लिए, ओके? तो ये कंटिन्यू, अब आपको थोड़े थोड़े कुछ याद आया होगा, ठीक है? तो अब हम इसको किस तरह से समझने वाले हैं, ये तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया, ठीक? अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूँ कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, ओके? तो कंटिन्यूटी की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक? तो सपोज अ फंक्शन एफ, सपोज अ रियल फंक्शन, सपोज अ रियल फंक्शन एफ ऑन अ सबसेट ऑफ, सपोज अ रियल फंक्शन एफ ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स एंड देखिए और द सबसेट नहीं, एक्चुअली इंटरवल मान लिया था मैं आपको, मैं इंटरवल ज्यादा सुटेबल वर्ड है। सपोज अ रियल फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन एफ है जो रियल है, ठीक, ऑन एन इंटरवल, ऑन एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है, ये अभी मैं आगे लिखूंगा कि कौन सा इंटरवल कंसिडर किया है, एंड लेट सी बी एनी रियल नंबर इन द इंटरवल, जो इंटरवल यहां कंसिडर किया उसी इंटरवल की बात हो रही है, तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं क्योंकि जो मैंने इंटरवल कंसिडर किया वो ए और बी किया है, ठीक है। अब ए और बी क्या है, तो ये क्लोज है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट आपको याद है क्यों यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है, ए और बी बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, राइट, मतलब इस पूरे इंटरवल में फंक्शन रियल है, ठीक है। सो रियल नंबर इन द इंटरवल बी, सी बी एनी रियल नंबर इन द इंटरवल, ठीक। तो सपोज अ रियल फंक्शन, मैं यहां पर डेफिनेशन आपको बता रहा हूं क्या है, सपोज अ रियल फंक्शन, कोई भी रियल फंक्शन है एफ ऑन एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, किसी भी रियल नंबर के इंटरवल ए और बी के, उसमें कोई भी अगर एक स्मॉल नंबर मैंने कंसिडर किया है सी एनी रियल नंबर इन द इंटरवल, then at x is equals to c, f is continuous if, जो ये फंक्शन f है ये कंटिन्यूस कब होगा, जब लिमिट x tends to c fx किसके बराबर आ जाए, f c के इक्वल आ जाए। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, if this condition holds then the function is said to be continuous, ठीक है। अगर ये चीज़ हमें मिलती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है ना x इक्वल्स टू c वैल्यू के लिए कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब जो ये डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, अभी एक सेकेंड डेफिनेशन और भी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट इसके बाद में, ठीक। लेकिन उससे पहले इससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से, ठीक। तो ये दो डेफिनेशन हो गई। अब देखिए मैंने उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू वन, इसको चेक करना है x इक्वल टू वन, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए मैंने क्या डेफिनेशन, पहले हमें क्या देखना है, लिमिट x टेंड्स टू वन f x, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू वन टू x प्लस थ्री। अब x की जगह हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये टू इंटू वन टू प्लस थ्री दैट इज फाइव, ठीक। नाउ f वन चेक कर लेते हैं वो कितना आएगा, तो ये भी आ जाएगा टू इंटू वन प्लस थ्री अगेन फाइव। क्या दोनों वैल्यू सेम है, यस दोनों ही सेम है। इसका मतलब जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन
एफ एक्स किसके बराबर आ गया है, एफ वन के इक्वल आ गया है। ठीक, इट मीन्स दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू वन के लिए कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका मतलब जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे रियल नंबर पे, नंबर लाइन पे, तो जब हम वन के अराउंड इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो हमें ग्राफ जो पेन होगा, हमें पेन मतलब पेपर से पेन को हटाना उठाना नहीं पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको हम एक बेसिक वर्ड में समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं कोई भी ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं उस टाइम पे, अगर मेरा ग्राफ जो है पेज पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो पेज से अगर मैं पेन को नहीं हटा रहा हूं, स्मूथली ड्रॉ होता जा रहा है, तो वो जहां जहां तक ड्रॉ होता जाएगा उन वैल्यू को कंटिन्यूस माना जाएगा। लेकिन जिस मोमेंट पे भी वो अगर वहां से पेन को हमें हटाना पड़ जाए, क्योंकि एकदम से हमारी रैंडम चेंज आ गया, तो फिर उस वैल्यू पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल, किस तरह से सॉल्व करके देख सकते हैं वो। ठीक, तो फर्स्ट डेफिनेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग भी था ये एग्जांपल। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ इसकी एक और डेफिनेशन। ठीक है, वो अब वो डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, वो डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, अब इसको सेकेंड डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, एलेबरेटेड फॉर्म है किसका, जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसी का। अगर फर्स्ट वाली डेफिनेशन को मैंने क्या बताया था कि पेन को हम उठाएं ना, मैंने ये बताया था कि जैसे जीरो पे वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जीरो से थोड़ा सा लेफ्ट होती है तो वैल्यू उसकी वन है, एग्जैक्ट जीरो पे भी वन है, लेकिन जैसे ही जीरो के थोड़ा राइट साइड हमने शिफ्ट किया था तो वैल्यू टू हो चुकी थी, राइट, इसलिए वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था। ठीक है, तो उसी चीज को अगर हम एलेबरेट करें, ज्यादा एलेबरेट के साथ अगर एलेबरेशन उसका देखें, तो बेसिकली होगा क्या, तो हम ये बोल सकते हैं एनी फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी इफ LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FC। ठीक है, LHL शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है आपको याद आ गया होगा, क्योंकि 11th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और ये इसको मैं यूज करता था एक बट इंस्टेंट वैल्यू, इंस्टेंट वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सी की वैल्यू है ना, तो मतलब वैल्यू एट द पॉइंट भी कह सकते हैं इसे। ठीक, अब मैं LHL के यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, वो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पे मैं चेक करना, तो इसको हम सी माइनस करके एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब सी माइनस का मतलब क्या है, सी से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जब भी जाएंगे तो लेफ्ट हैंड हो गया, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सी माइनस, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ, क्योंकि ये C वैल्यू पे हमें चेक करना है, तो C माइनस एच आप इसको लिख दीजिए। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे हम सॉल्व करेंगे, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरह से करने वाले हैं। ठीक, आर एच एल राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू C प्लस, ये एक्चुअली क्या है, नोटेशन है, इस तरह से लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड, और एल एच एल की बात कर रहा है, ऐसे लिखा है सी प्लस करके, मतलब वो आर एच एल को जानना चाह रहा है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो f c प्लस h, और ये वैल्यू तो आपको पता है, fc तो डायरेक्ट मतलब फंक्शन में ही उस वैल्यू को इम्प्रूव कर दें। ओके, तो ये बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, अगर ये तीनों वैल्यू को इंसाइड कर जाए, को इंसाइड का मतलब क्या है, तीनों वैल्यू सेम आए, इक्वल है, बराबर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस माना जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इसके लिए भी एक एग्जांपल से ही सॉल्व करते हैं। ओके, मैंने डेफिनेशन आपको बता दी दोनों, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो मैंने एक एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे हमें यह चेक करना है। ठीक है, x की वैल्यू जब जीरो होगी तब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको रीराइट करूंगा, तो रीराइटिंग द फंक्शन, अब ये किस तरह से लिखा जाएगा, आपको याद है कि अगर x की वैल्यू जीरो से जस्ट लेफ्ट साइड होगी तो ये जो फंक्शन होगा, क्योंकि देखिए मॉड लगा हुआ, अगर मैंने यहाँ पे माइनस वन रखता हूँ इस मॉड में, x की वैल्यू में माइनस वन रखी, बट रिजल्टेंट विल बी प्लस वन ऑनली, राइट, तो
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स एंड एक्स, माइनस एक्स कब होगा जब लेस देन इक्वल्स टू जीरो और जब ग्रेटर देन जीरो। इस तरह से इस फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। अब इससे कंफ्यूज मत हो आप कि माइनस एक्स क्यों लिख दिया, सो समझिए कि क्यों लिखा है, उसका रीज़न बताता हूँ। जब ये लेस देन जीरो बोला गया, ठीक है ना, इक्वल टू आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, इस तरफ या इस तरफ। अब जीरो से जब स्मॉल वैल्यू हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है जीरो से स्मॉल, लेट्स से माइनस वन। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे माइनस वन रखनी है, आपको ये पता है कि यहाँ अगर माइनस वन रखा जाएगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए रिजल्ट, प्लस वन। अब मैंने यहाँ माइनस वन रख दिया, एक माइनस पहले से है और माइनस वन वैल्यू वापस रख दी, तो दो माइनस का जब प्रोडक्ट होता है क्या आंसर आता है, प्लस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए ध्यान से फिर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस वन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा इट विल बिकम प्लस वन, ठीक है, तो ये प्लस वन रहेगी। कोई भी निगेटिव नंबर अगर अब हम यहाँ पे एक्स की जगह माइनस में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे सो इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक, और ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये डिफाइन हो गया। अब हम इसको सेकेंड वाले डेफिनेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले एल एच एल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ, इस पर चेक करना है जीरो के लिए, तो जीरो माइनस एच लिख देंगे इसे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी ये फंक्शन वैसे इस तरह से डिफाइन कर दिया है, अगर मैं ये डिफाइन नहीं भी करता हूँ ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। अब ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड जीरो माइनस एच, इस वाले फॉर्मूले से कोई यूज़ करने से क्या होगा कि आपको चाहे फंक्शन को आप डिफाइन मत करो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस तरह से डिफाइन कर दिया है, क्योंकि पहले डिफाइन कर दिया है, चलिए अभी डिफाइन जो जैसे किया ना उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक वाले रूल को यूज़ नहीं करें, अभी डिफाइन कर चुके हैं उसको यूज़ करते हैं। तो जीरो माइनस एच, अब देखिए जीरो से स्मॉल वैल्यू हो गई है, राइट, जीरो में कोई वैल्यू आप माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, और छोटी वैल्यू आएगी, तो ये हो चुका है वो, तो माइनस एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा ये माइनस और जल्द जीरो माइनस एच, ठीक। तो ये माइनस है, ये माइनस क्या होगा प्लस एच, और एच की वैल्यू कितनी है जीरो, क्या आ गया आंसर जीरो। आर एच एल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला फंक्शन है केवल एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच अगेन जीरो, क्या दोनों वैल्यू सेम है, यस सेम है, थर्ड वैल्यू हमें एग्जैक्ट जीरो पे ही चेक करना है, तो हम बराबर जीरो इस वाली जगह इस वाले फंक्शन के लिए है, तो क्या हो जाएगा माइनस और जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये डिफाइन हो गया है फंक्शन, अब देखिए क्या तीनों वैल्यू बराबर आए, यस एल एच एल इजिकल टू आर एच एल इजिकल टू एफ जीरो, सो वी कैन से दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू जीरो। हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एक्स इजिकल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया किस तरह से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। एक अब मान लीजिए इस फंक्शन को मैं डिफाइन नहीं करता, ये तो मैंने कब यूज़ किया, जब मैंने इसको डिफाइन किया है तो ये इस तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक। लेट्स से मेरे को याद नहीं कि कैसे डिफाइन करें, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि हमें याद ना रहे, क्योंकि ये बहुत कॉमन टाइप का एग्जाम्पल है तो हमें याद ही होता है, बट सपोज नहीं याद है, ठीक है, तब कैसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ना सेम उसी टाइप से ही इसे लिखेंगे, ठीक। अब मैं एल एच एल कैसे लिखूंगा, एल एच एल लिखने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको लिख दिया मैंने लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ जीरो माइनस, तो क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड में आ गया जीरो माइनस एच, ठीक। जीरो में कोई भी वैल्यू माइनस एच, मतलब माइनस एच आएगा तो ये मॉड की वजह से क्या हो जाएगा प्लस एच, और जीरो वैल्यू है एच की तो कितना हो गया जीरो। सिमिलरली जब हम आर एच एल सॉल्व करेंगे फिर से कितना आ जाएगा एफ जीरो प्लस एच, मतलब मॉड में ये जीरो ही हो जाएगा, ठीक, ये जीरो आ गया, और फंक्शन की खुद की वैल्यू वो तो मॉड जीरो मतलब जीरो ही है, तीनों फिर से बराबर आ गए, मतलब इस तरह से जब हमने सॉल्व किया तब भी ये कंटिन्यूस ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन क्योंकि फंक्शन को डिफाइन आप कर लेते हैं ना, तो क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे ना फंक्शन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले डिफाइन वाला तरीका आपको बताया, दूसरा ये सिंपल सा ये भी तरीका है, ठीक है।
अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को ही क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पर। अब देखिए एफ एक्स मैंने डिफाइन किया है इस तरह से, 2x + 5 when x greater than 1, ठीक, greater than 1 मान लेते हैं, और 3x + 2 when x less than or equal to, ओके। अब हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है या फिर नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम LHL को कैसे लिखूंगा, मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 पे चेक करना है तो 1 - h लिखोगे आप। ठीक है, अब 1 - h जब मैं चेक करने वाला हूं तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 से स्मॉल वैल्यू फंक्शन की, x की वैल्यू जब 1 से स्मॉल है तो क्या इस वाले में या फिर इस वाले में, पता लग रहा है इसमें है 1 से स्मॉल वैल्यू, तो हम इसको यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3, और x की जगह 1 - h रिप्लेस करना है हमें, तो 1 - h और प्लस में है 2, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो 3 × 1 पहले लिमिट लिख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 × 1 = 3, प्लस में ये वाला 2 हो गया और -3h भी आ रहा है, 3 × 2 = 5 और h की जगह 0 हो जाएगा, कितना आ गया रिजल्ट, ये आ गया 5। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल गई 5। अब हम RHL तो चेक करेंगे करेंगे, बट उससे पहले हम F1 फाइंड कर लें। ठीक है, क्यों, क्योंकि F1 को फाइंड करना बहुत इजी है। ये मैं क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि हम कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू पहले फाइंड करके देखेंगे, अगर वो बराबर है, कोई भी दो वैल्यू पहले जो आपने फाइंड की अगर वो दोनों बराबर आ जाए तो ही तीसरी फाइंड कीजिए, अगर वो बराबर ही नहीं आती तो फिर आगे करने की नीड नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो चुका है। ठीक, तो F1 कितना हो जाएगा, अभी तो क्योंकि सेम वैल्यू ये RHL से आएगी वो 3 × 1 + 2, ये भी 5 ही आ रहा है। अब हम किसको करने वाले हैं सॉल्व, RHL, तो मैं RHL करूंगा यहाँ पे यूज, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 + h। अब 1 + h के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पे हमने लिख दी वैल्यूज, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x + 5 मीन्स 2 1 + h + 5, तो ये कितना हो गया 2 × 1 + 5 मतलब 7 + 2h, और लिमिट h की वैल्यू जो है वो 0 है ही, तो ये आ गया 7। अब देखिए एक्चुअली LHL से पहले RHL फाइंड करना चाहिए था, अब आपको समझ में भी आएगी क्यों, क्योंकि अब ये स्टेप वेस्ट हो चुकी है मेरे लिए। क्यों वेस्ट हो गई है, क्योंकि अगर मैंने पहले RHL फाइंड आउट किया होता 7 वैल्यू आई और मैं F1 फाइंड आउट करता 5 आया, दोनों हो गए बराबर, दोनों बराबर नहीं है, तो इस स्टेप की जो मेरी कैलकुलेशन थी इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ वो नहीं होता आपका टाइम, समझ में आया। तो इसीलिए यही चीज़ मैं आपको पहले कह रहा था कि कोई दो वैल्यू डिफरेंट वाली फाइंड करिए, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि LHL और बराबर वाली वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक, तो दोनों को मत करिए फाइंड आउट, क्या करना है RHL फाइंड करो और ये फाइंड करो। अगर इक्वल टू का सिंबल यहाँ होता तो मैं LHL और बराबर वाली वैल्यू को पहले फाइंड आउट करता। ठीक, तो मैंने RHL फाइंड आउट किया, 7 आ गया, F1 फाइंड किया, 5 आ गया, बराबर नहीं आए, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया है। अब हमें इस स्टेप की कोई नीड नहीं है, अब ये स्टेप यूज़ करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक, तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि LHL एंड F1 बोथ आर इक्वल बट RHL इज नॉट इक्वल, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा LHL नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, या फिर F1 और नॉट इक्वल टू RHL कुछ भी आप लिख दो, दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, क्योंकि 1 पे ही चेक करना था। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं, अब इससे रिलेटेड आप एग्जांपल सॉल्व करके देखिएगा, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।